गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बनने वाली है करेला की सब्जी। तो लास्ट टाइम जब मैंने काजू करेला आपके साथ शेयर किया था तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसे ट्राई किया था और सबको बहुत पसंद आया था। तो आज जो हम करेला बनाएंगे, इसे हम सिर्फ बेसन के साथ बनाएंगे और फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और कल जब मैंने आपके साथ कमकोड़ा रेसिपी शेयर की थी तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने वही टिफिन में बनाया था और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ आप सब ने भी कमकोड़ा बनाया था। तो करेला को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर आधे घंटे के लिए रख दिया था, तो इसमें से काफ़ी सारा पानी छूटा है, तो इसे हम निचोड़ कर निकाल लेंगे। तो आज करेला की सब्जी बनाने के लिए छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो सब्जी हम छिलके के साथ ही बनाएंगे और इस तरह से इसे पतला पतला कट कर लेंगे। और करेला कट करने से पहले मैंने इसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया है, तो अब इसे पानी डालकर धोने की ज़रूरत नहीं है। तो करेला में मैंने नमक डालकर रख दिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करेला ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, तो इसे हम निचोड़ कर निकाल लेंगे। और कट करते वक्त अगर करेले के बीज कड़क हो तो इसे निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करेले में से काफ़ी सारा पानी निकल गया है, तो अब करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म करने के लिए रखा है और तेल हम नॉर्मल जो यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम बेसन भी ऐड करने वाले हैं। तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई डाल देंगे, जीरा ऐड करेंगे और हींग भी डाल देंगे। अब उसी के साथ हम करेला ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और करेला में हमने नमक ऐड किया था, तो चखने के बाद अगर यहाँ पर ज़रूरत लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढक्कन लगाकर करेला सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लेंगे और गैस की आंच धीमी रखेंगे। और करेला को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पर हम पत्ता गोभी का संभारा बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी संभारा रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि आप सिर्फ पत्ता गोभी वाला संभारा हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम गुजराती बहुत अलग अलग तरीके से संभारा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को बारीक कट कर लिया है और मिर्ची जो मैंने यूज़ की है वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लेकिन अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा लविंग या मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। और बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप तेल कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं सिंग तेल ही यूज़ करती हूँ। और नमक कौन सा यूज़ करती हूँ, कढ़ाई कौन सी है, कुकर कौन सा है और मेरा गैस स्टोव कौन सा है, मेरी चिमनी कौन सी है, वो सब मैंने आगे वीडियो में बता दिया है, तो आप चाहे तो आगे का वीडियो देख सकते हो। और बीच बीच में हम करेला को भी देख लेंगे। तेल गर्म हो जाए तो सिर्फ राई और हींग का तड़का देंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और पत्ता गोभी और हरी मिर्च डाल देंगे, स्वादानुसार नमक भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और संभारा को हम ज़्यादा नहीं पकाते, इसे कच्चा पक्का ही रखते हैं। अब इसे बिना ढक्कन लगाए ही पका लेंगे। और संभारा आपको सिर्फ खट्टा पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हो, और खट्टा मीठा पसंद हो तो आप इसमें नींबू और चीनी दोनों ऐड कर सकते हो। तो 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा संभारा रेडी है, तो इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब करेला को भी देख लेंगे। तो करेला अच्छे से पक गए हैं, तो उसी के साथ हम बाकी के मसाला भी ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, इससे हमारी सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब उसी के साथ हम बेसन ऐड करेंगे, तो बेसन मैंने भुना हुआ यूज़ नहीं किया है। धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और कसा हुआ नारियल ऐड करेंगे और इसमें गुड़ ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पका लेंगे, तो इसमें बेसन भी भुन जाएगा और हमने जो गुड़ ऐड किया है वो भी मेल्ट हो जाएगा। 2 मिनट के बाद सब्जी को चेक करेंगे और एक बार इसे चला लेंगे और सबसे आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी रेडी है। और बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप धनिया को धोते हैं कि नहीं धोते,
क्योंकि आपका धनिया हर बार ड्राई ही होता है, तो बिना धोए धनिया को कौन यूज़ करता है। लेकिन मैं धोने के बाद इसे कपड़े पर रख देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें पानी होगा वो सब निकल जाए। तो सब्जी में हम सबसे आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी झटपट बनने वाली करेला की सब्जी रेडी है, और इस करेला की सब्जी भी 2 से 3 दिन तक फ्रीज में ख़राब नहीं होगी, तो आ शाक पण तमे शीकड़ा सातममां बनावी शको छो। और अगर आपको लगे कि सब्जी भी ड्राई है और संबरा भी ड्राई है, तो साथ में कुछ पीने के लिए बनाना चाहिए तो आप दाल बना सकते हो। लेकिन ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि इसके साथ और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वही दूसरा तवा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं डीमार्ट से लाई थी। तो आज मैं देख रही हूँ कि इसमें डोसा बनता है कि नहीं। तो इसमें डोसा अच्छा क्रिस्पी बनता है। शायद स्टार्टिंग के 1-2 डोसा आपका अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन इसके बाद आप इसमें आसानी से डोसा बना सकते हो और वो भी बहुत ही क्रिस्प बनता है। तो आज मैंने भी तवा का फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है और डोसा फैला लेंगे। और तेल, बटर, घी आप जो भी यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला डोसा तो चिपक गया था और दूसरा डोसा थोड़ा कम चिपका था, लेकिन ये अच्छा क्रिस्प बना है। अब ये तीसरा डोसा बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारा डोसा आसानी से बन रहा है। तो अगर आप ये तवा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि इसका रिव्यू हमें दीजिएगा। तो आज ब्रेकफास्ट के लिए डोसा बना रही थी तो सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूं। और साथ में बनाया है सिंपल पराठा। और बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स करके कहते हैं कि आप एक ही बात बार बार बताकर बहुत इरिटेट करते हैं। तो उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम पूरा दिन भाग दौड़ किस लिए करते हैं? 2 पैसे कमाने के लिए ही करते हैं ना। तो इतनी बड़ी ब्रांड मेरे पास आती है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी चैनल के द्वारा प्रमोट कीजिए, तो मैं क्यों ना करूं? और आपके पास तो ऑप्शन भी है कि आप वो पार्ट स्किप कर दीजिएगा, जो आपको नहीं पसंद वो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आप मुझे मना नहीं कर सकते कि आप ये मत बोलो। तो अगर आपको ओडी का बार बार देखना सुनना पसंद नहीं है तो आप वो पार्ट स्किप कर दीजिएगा और आगे का वीडियो आप देख सकते हो। और पराठा को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फोइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है पराठा, और ये है बेसन वाला करेला, और ये है गुजराती स्टाइल संभारा। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन, और आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा। Thank you.